उत्तराखंड के लक्सर में भिक्कमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित हरिद्वार स्टोन क्रैशर से बजरी लेने गए भाजपा नेता व उसके साथी पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों व धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह दोनों को गंभीर रूप से घायल करते हुए उनकी अल्टो कार के शीशे भी पूरी तरह से तोड़ दिए। आपको बता दें कि यह घटना 15 मार्च की रात लगभग सुबह 4 बजे की है, जब शाहपुर निवासी भाजपा नेता जगचरण सिंह उर्फ छोटू जयंत भीकमपुर चौकी क्षेत्र स्थित एक स्टोन क्रेशर से बजरी लेने के लिए गए थे। बकौल पहले से ही रास्ते में घात लगाए बैठे पथरी थाना क्षेत्र स्थित गांव धारीवाला निवासी वेदपाल राणा व उसके पुत्रों ने साथियों सहित भाजपा नेता छोटू जयंत व उसके साथी बिट्टू चौहान पर लाठी डंडों व धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें भाजपा नेता छोटू जयंत सहित बिट्टू चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए। छोटू भाई उठ जाओ, और बिट्टू चौहान को यहाँ पे सर पे उन्होंने तबल मार के और खड्डे में डाल दिया। तो मैं जैसे गाड़ी से बाहर निकला, मैं एक बहुत हड़बड़ाया बहुत, तो बाहर निकला तो वो लोग एक वेदपाल राणा, एक उसका लड़का और दूसरा लड़का और 7-8 लोग और हाथ में लाठी डंडे और तबल और बंदूक ले गए और आए। मैं और आते ही मेरी गाड़ी के शीशे पर उन्होंने जोर से वेदपाल राणा ने तबल मार दिया। मैंने पूछा भाई साहब क्या बात है, उन्होंने कहा अच्छा साले चमार गिट्टल, तुझे मैं बताऊंगा, मैं तू बहुत यहाँ पर इधर किराए विराए मशीन भेज रहा, मैं बनाऊंगा तुझे ज़्यादा बड़ा नेता। और कहने लगा तू बहुत बड़ा नेता बनता है, तुझे आज मैं नेता ही बना देता हूँ। साले गिट्टल चमार तू यहाँ पर कैसे आया? और मैंने कहा भाई साहब ऐसे आप क्यों बोल रहे? तो उन्होंने वेदपाल राणा के लड़के ने, बड़े वाले ने मेरे जोर से हाथ पे इस हाथ पर डंडा मारा और सब लोग मेरे जोर जोर से डंडा मारने लगे और नीचे गिर गया। मुझे बहुत 15-10 मिनट तक बहुत दबा जोर से पिटा हम लोगों ने। अच्छा आप देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में जिला मंत्री भी हूँ, पर अभी तक कोई ऐसा, मैं अब चौकी में मेडिकल कराया गया अपना भी और अपने दोस्त बिट्टू का चौकी में गया, तो उसको बहुत गंभीर चोट है, बहुत ज़्यादा सिर में सिर फटा हुआ है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।